पंचायतों के भीतर से संचालित करने का निर्देश दिया। इस क्रम में 57,709 ग्राम पंचायतों में से अब तक 36,983 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम वहां पर संपन्न हुआ है। इसी तरीके से नगरीय निकायों के 777 निकायों में से 1,027 स्थानों पर इस कार्यक्रम का विभिन्न वार्डों में या सेक्टरों के भीतर इस कार्यक्रम का संचालन हुआ है। लगभग 2,68,00,000 से अधिक लोगों ने इसके भीतर प्रतिभाग किया है और ये इसमें ग्रामीण जनता और नगरीय क्षेत्रों के भीतर नगरवासियों का बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम के भीतर हिस्सेदारी बताई जा रही है, जिसमें जिन योजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लगभग 25 से ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाएं देश में चलाई गई और उन योजनाओं का सीधा प्रभाव गाँव से लेकर के शहरों तक गरीब तबके के लोगों को लाभान्वित हुए हैं और वहाँ उनके माध्यम से उनके सफलता की कहानी और कैसे योजना का लाभ उनको मिल रहा है इसकी का भी प्रस्तुतिकरण वहाँ पर कराई जा रही है। इस कार्यक्रम के भीतर अनेक स्थानों पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने, राज्य सरकार के मंत्रियों ने, केंद्रीय सरकार के मंत्रियों ने और राज्य और सभी हमारे सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्रों के भीतर भी प्रतिभाग कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से वहाँ पर 13 से लेकर के 14 विभाग तक के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है और विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी वहाँ पर दी जाई जा रही है और जो छूटे हुए लोग हैं, जो पात्र हैं, उनकी सूची बना करके सूचीबद्ध करके उनको योजना का लाभ दिया जा सके उसके प्रयत्न किए गए हैं और यह एक बहुत ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके भीतर 642 वैन उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। लगभग हर विकास खंड के भीतर एक वैन रहता है या उसका जहाँ पर कम गए हैं वहाँ पर कैलेंडर बना करके वहाँ के जिला प्रशासन ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। सभी उत्साह के साथ उसमें बड़ी ठंड के बावजूद भी उस कार्यक्रमों के भीतर लोगों ने भाग लिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई स्थानों पर स्वयं जाकर के संबोधन किया है, कुछ जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम किया है, आज भी यहाँ पर हो रही है। जहाँ तक कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं का है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर पिछले 6 वर्षों में हम लोगों ने 49,00,000 किसानों को 4,156 करोड़ रुपए से लाभान्वित किया है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भीतर 2,62,00,000 किसानों को 63,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि उनके खातों में DBT के माध्यम से सीधा प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजी गई है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के भीतर 51,000 से ज़्यादा सोलर पंप लगाए जा चुके हैं और उसमें भी 700 करोड़ रुपए का अनुदान लगभग कृषक भाइयों को मिला है। तो इस प्रकार से कृषि यंत्रों से लेकर के
सुरक्षा बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी कई केंद्रीय योजनाओं का मिला है सर्वाधिक लाभ। जन कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए है संकल्पित। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कुल 36,983 ग्राम पंचायतों एवं 1,027 नगरीय क्षेत्रों में 2,65,00,000 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग कर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का पंचप्रण भी लिया। भारत के 80 करोड़ नागरिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मिल रहा है मुफ्त राशन। देश के 11 करोड़ 80 लाख अन्नदाताओं के स्वाभिमान का आधार बनी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में हर गरीब के लिए पक्का घर, माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति, अन्नदाताओं को सम्मान और हर गरीब को मिला है राशन का उपहार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रमों के दौरान आयुष्मान कार्ड, पीएम उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, हर घर जल, पीएम स्वनिधि योजना जैसी बहुत सी योजनाओं के 50 लाख से अधिक लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी पंजीकरण कराकर लाभान्वित भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस अभियान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया एवं वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एवं 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुड्स ट्रेन समेत कुल 4 ट्रेनों का फ्लैग ऑफ भी किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों एवं लाखों की भीड़ ने समवेत स्वर में विकसित भारत बनाने का पंचप्रण भी लिया। आइए विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़कर शपथ लें वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने का, देश की एकता को सुदृढ़ करने और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करके भारतीय होने का, कर्तव्य निभाने का। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर अब आपके मर्जी से हम लाभार्थियों से 5 लाभार्थी हैं। सबसे पहले चंदौली जनपद में श्रीमती निर्जला देवी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना और फोकस लाभ मिला है सर, और वो अब आपसे इंटरेक्ट करेंगे। निर्जला देवी आप सुन रही हैं हमको? चंदौली, चंदौली हाँ सर हाँ। क्या नाम है आपका? निर्जला देवी। निर्जला देवी आप जल नहीं लेती हैं क्या? हम जल पीते हैं। अच्छा, लेकिन नाम रख दिया क्यों? तो माता जी रखते हैं ना सर। अच्छा, माता जी रखते हैं। अच्छा बताइए आपको ये जो मोदी गारंटी बहन आई है इसका कुछ लाभ इससे पहले आपको मिला है? हाँ सर। क्या क्या मिला है आपको? हमको प्रधानमंत्री वाला आवास मिला है सर। हाँ। सर शौचालय मिला है। हाँ, और गैस सिलेंडर मिला है। हाँ। राशन कार्ड मिला है। राशन मिलता भी है? मिलता है सर। अच्छा, पैसा वैसा तो नहीं लेते लोग? नहीं सर, पैसा नहीं देते हैं, निःशुल्क मिलता है। अच्छा, और सुंदर। और ये आयुष्मान का कार्ड? हाँ सर है। 5 लाख रुपया वाला? हाँ, 5 लाख रुपया वाला है सर। और ये जो उसमें जो है आप उस समूह से जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी है, महिला समूह से? हाँ सर जुड़े हैं। क्या काम कर रहे हैं आप लोग उसमें? मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं आपका समूह, क्या काम करता है? अरे सर, काम करता है जो पैसा लेकर उसमें से गाय कीने हैं। हाँ। गाय कीन का दूध आती है, दूध बेचती है। बहुत सुंदर। अच्छा बताइए आवास आपको मिला, कितना पैसा मिला आवास में? 1,30,000। अच्छा, इसमें किसी ने घूस तो नहीं मांगा?
कुछ नहीं दिया है। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा बताइए, ये योजना का लाभ पहले भी तो आपको मिल सकता था ना? पर पहले हमको नहीं मिला था, हम बच्चा के घर में रहते। हाँ, तो अब मकान बनने से क्या लाभ हुआ आपको? अरे सर, हमको बहुत लाभ है आपकी कृपा से। अच्छा, कितने बच्चे हैं? अरे हमारे 3 लड़की है, 1 लड़का है। स्कूल जाते हैं सभी बच्चे? हाँ सर, स्कूल जाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। तो पहले जब कच्चा घर था तब कैसे रहते थे घर में? अरे सर, बहुत दुख से रहते थे। अच्छा, अब तो ठीक है ना सब लोग? हाँ सर, आपकी कृपा से हम बहुत अच्छे थे। नहीं नहीं, कृपा तो आपकी है कि आपने जब सरकार बना दी तो उसके बाद जो है ये लाभ तो मिलना ही था सब लोगों को, और यही मोदी गारंटी है। हाँ सर, यही मोदी जी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखे बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान भी दे दिया, शौचालय भी दे दिया, आयुष्मान का कार्ड भी दे दिया, राशन भी फ्री में मिल रही है, महिला स्वयं सेवी समूह के माध्यम से भी आप लोग कुछ काम धाम कर रहे हैं तो उससे भी आप लोगों की इनकम हो गई है। और यही जब हर व्यक्ति के घर में खुशहाली आएगी, वह विकास करेगा, तो यही विकसित भारत की नींव रखेगा और भारत हमारा विकसित होगा, दुनिया में सबसे धनी देश होगा देश। ये संकल्प हमारा होना चाहिए ना। हाँ, कितना पैसा मिलता है उसमें? 5000। अच्छा, तो आप तो कई जगह से पैसा कमा ले रही हैं। हाँ सर। ठीक है, तो परिवार में अब खुशहाली, सब खुश है ना लोग? हाँ सर, सब खुश है आपकी दया से। अरे नहीं, चले तो आपकी दया बनी रहे। आपको बहुत बहुत बधाई, और सभी अन्य लोगों को भी आप बताइए जो लाभार्थी गण हैं, उन अन्य लोगों को, जिन लोगों के पास आवास नहीं लेकिन कच्चा मकान है, जिनको पास आयुष्मान का कार्ड नहीं लेकिन वे गरीब हैं, जिनके पास शौचालय नहीं गरीब हैं, उनको भी बताइए कि वे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जब ये मोदी गारंटी वैन आएगी तो उस दौरान वे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तो बाद में फिर उन लोगों को ही मिलेगा इसका लाभ। ठीक है ना? हाँ सर। तो ये काम करना है, सभी लोगों तक योजना का लाभ पहुंचे, इसी के लिए यात्रा चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसी का नाम है। ठीक है, तो निर्जला देवी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छा लगा कि आपको योजना का लाभ मिला है और आपका परिवार इसके माध्यम से लाभान्वित हुआ है। धन्यवाद आपको। महोबा सर, इसके बाद सर महोबा में शाम सखी है कई योजना का लाभ लेंगे, ससुर को भी सोलर पंप का भी लाभ है। महुआ जनपद से जुड़ेंगे? हाँ जी सर, श्याम जी सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? श्रीमती श्याम सखी। अच्छा, कहाँ घर है आपका? जी सर। पसवारा? यस सर। आपके गांव का नाम क्या है? जी सर, ग्राम पसवारा। पसवारा गांव कबराई में है? पसवारा सर। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा बताइए, आपको इस आपको सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है? जी सर, मिला है। क्या क्या लाभ मिला है? हैं? हाँ। तत्काला मिला सर। हाँ। गैस कनेक्शन भी मिला सर। हाँ। सोलर दिया सर, दस्तक कार्ड दिए सर। ठीक। अच्छा, आप बच्चा बताइए, ये प्रधानमंत्री ये आवास योजना का लाभ मिलने पर कितना पैसा मिला था आपको? आवास योजना का लाभ मिलने पर कितने का लाभ मिला आपको? क्यों महोबा? महोबा आपको आवाज नहीं आ रही आप लोगों के यहाँ? महोबा क्यों? श्याम
सखी जी आप ये बताइए कि आवास योजना में पैसा कितना मिला आपको? 1,20,000। अच्छा 1,20,000 रुपया मिला। और ये जो है कनेक्शन उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला था तो हम लोगों ने दीपावली में एक सिलेंडर फ्री में देने की बात कही, जो मिला कि नहीं मिला? आधार से जोड़ करके अपने जो आपका जो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर है आधार से अगर आप उसको जोड़ देंगे तो उसमें एक फ्री में आपको सिलेंडर मिल जाएगा, भरा हुआ सिलेंडर फ्री में मिल जाएगा। जी सर। ठीक है ना? जी सर। अच्छा राशन मिलता है? जी सर। राशन का पैसा तो नहीं लेते कोई? नहीं लेते। अच्छा आपके ससुर को पीएम किसान का भी किसान योजना का भी लाभ मिलता है? जी सर मिल रहा है। अच्छा आप बगल में ही बैठे हैं। कितना पैसा आपको मिला है अब तक? हैं? अच्छा 14 किस्त मिल चुकी है। तो पैसा नियमित रूप से आ रहा है ना? जी सर। देखो अच्छा बताइए कि जब आवास नहीं था तब कैसे काम चलता था? नहीं आया ये जब तक जब आवास ये आप है अच्छा तो अब कोई दिक्कत तो नहीं होती ना बरसात में? अब बरसात में कोई ठीक है। अच्छा बताइए इसमें पैसा तो नहीं मांगा किसी ने? कोई नहीं मांगा सर। अच्छा शौचालय के उसमें भी किसी ने पैसे की मांग तो नहीं की थी? नहीं करी सर। और ये राशन राशन हर महीने मिल रहा है? देखिए इससे दो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा इन्हीं सब चीजों की जांच करने के लिए निकाली जा रही है कि आपको योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक दूसरा आप लोगों का दायित्व भी ये बनता है कि अगर आपको मोदी जी ने इन योजनाओं को फ्री में लाभ उपलब्ध करवाया है तो जो अन्य लोग हैं जो अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं लेकिन पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो उन लोगों को भी हम इन योजनाओं से जोड़ करके उनके घर में भी जैसे आपके घर में खुशहाली आई है तो उनके घरों में भी खुशहाली आए इसके लिए हम कार्य करेंगे। तो क्या आप कार्य करेंगी? चलिए बहुत सुंदर। श्याम सखी जी आपको आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और मोदी गारंटी वैन का लाभ आपने लिया, अन्य लोगों को भी इस योजना के साथ जोड़ेंगे मैं इस बात की अपेक्षा रखता हूँ। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। जनपद बस्ती में श्रीमती माया देवी ने जो विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त की है बस्ती से जोड़ना चाहेंगे? नमस्ते आप बताइए माया देवी जी आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? हमें पहला लाभ मिला समूह का। हाँ मैं समूह में समूह सदस्य पद पाई हूँ। हाँ समूह का संचालन कर रही हूँ। ठीक है और 10 महिला 12 महिला का ग्रुप बनाकर हाँ उनसे रोजगार करवाते हैं। क्या रोजगार कर रहे हैं आप लोग इसमें? कुछ काम महीने में तो 4,000 रुपया उसी की बिजनेस से बचा लेती। ठीक है अच्छा ये बताइए कि कुछ पैसा कमाते भी हैं आप लोग इसके माध्यम से? जी जी कमाती हूँ। कितना? जैसे बिजनेस जैसे मैं करती हूँ थोड़ा या ज्यादा उसी हिसाब से महीने
योजनाओं का लाभ मिला है और हमें शौचालय मिला है। अच्छा, पहले हमारे पास जाने के लिए बहुत दिक्कत थी। हाँ। और हमारे बच्चे शौचालय के पास। अच्छा, आवास है आपके पास? जी, अपना आवास है। और ये उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, रसोई गैस का सिलेंडर, वो मिल गया था? ठीक है। अच्छा, ये आपने जो है ये जो दीपावली में फ्री में सिलेंडर मिला था, उसका लाभ लिया कि नहीं लिया? ले लिया है। अच्छा, ये राशन की स्थिति क्या है? राशन कार्ड से राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन मिलता है हर महीने। अच्छा, पैसा तो नहीं पड़ता है? नहीं, पैसा नहीं देना पड़ता है। और ये आयुष्मान भारत का कार्ड? वो भी बना है हमारा। अच्छा, बना है, उसका कभी लाभ भी लिया? लाभ अभी लिया नहीं, लाभ ले लूंगी। हाँ, भगवान करे कोई बीमार ना पड़े, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो वह कार्ड एक गारंटी है, 5 लाख रुपया हर साल परिवार के किसी सदस्य को अगर बीमारी या कोई दिक्कत होगी तो हॉस्पिटल में आप उस कार्ड को लेके जाएंगे।